ये हेलो रिवन दिस इज रविचंद्र ऊपी ए सी सी एस सी वेलमिंग ऑल ऑन समर्थ आई ई एस न्यू नेम टू माई इनिशिएटिव समथिंग वेरी क्लोज टू माई हेड एंड समर्थ है आई एस जर्नी टू लबासना इज़ अ टैग लाइन ऑफ दिस इनिशिएटिव सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट समर्थ है आई एस जब भी आपको लगे उस फील की इट्स मी रविचंद्र पी एस सी सी एस सी खैर इंडस्ट्रियल लॉ को कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो में जो कल मैंने अपलोड करा था उसमें फाइव एंड सिक्स की बात कर ली थी मैंने जो भी मैंने जरिए थे उनके बारे में मुझे ऊपर रिस्टेंट की बात करी थी कुछ केसेस बताए थे आपको मैंने आज मैं बेजेस की बात करूंगा मैंने बोला था कल आपको कि जल्दी ही सेवंथ यूनिट लेकर आऊंगा उसके बाद आठ नौ दस की जो भी यूनिट्स है वो जल्दी जल्दी कवर कर दिए जाएंगे ठीक है योर एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड डेफिनेटली तो आज इस इंडस्ट्रियल लॉ के जो हमारी यूनिट है उसमें हम वेजेस के बारे में समझेंगे वेजेज होता क्या है पैसा जिसको आप मिलते हो ना आपको वेतन जो सैलरी मिलता है वो होना क्या चाहिए उसको वेजेज क्या बोलते हैं क्या होगा बेजेस का डेफिनेशन क्या होगा मिनिमम वेजेज क्या होगा फेयर वेजेज क्या होगा कॉन्सेप्ट क्या है वेजेज का हिस्ट्री क्या है वेजेज का एक छोटा सा रिकैप के साथ चीजों को समझेंगे ठीक है तो आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं दिखाता हूं आपको देखिए आपके सिलेबस में कुछ पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम बेजेज सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम बेजेज क्या होता है उसके बाद अपन हम जानेंगे फेयर वेजेस के बारे में मिनिमम वेजेस के बारे में लिविंग बेज के बारे में कुछ आ, जो आपका मिनिमम बेजेज एक्ट हंड हंड्रेड फोर्टी ईर्ट्स उसके बारे में जानेंगे और जो हज़ार उन्नीस में नई कोड आई चार कोड जो आए उसके बारे में जानेंगे सिंगल लेबर कोड जिसको बोलते हैं फोर लेबर कोड को बहुत सारे लेबर कोड्स को मर्ज कर दिया गया एक चार लेबर कोड्स में उसके बारे में भी बात करेंगे अपन आने वाले वीडियोज़ में तो वेजेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इन योर पेपर डेफिनेटली अबाउट मिनिमम वेज लिविंग बेज इंडस्ट्री कम रीजन टॉपिक जो भी है उसके बारे में बात करेंगे एंड इन डेफ्थ एनालिसिस करेंगे बिल्कुल आ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में ना ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो सो so स्टार्ट करते हैं वेजेस को समझते हैं एंड बिफोर गोइंग टू आई वुड लाइक टू एवरीबॉडी टू प्लीज परचेज नवंबर स्क्रीन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है एंड लास्ट मंथ के अक्टूबर स्क्रीन शॉट भी अवेलेबल इफ यू वॉन्ट दैट पी डी एफ जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द एट एट फाइव एट एट फाइव वन जीरो फोर जीरो डबल सिक्स थ्री जिसका नंबर मैंने पिन भी किया हुआ है बता भी दिया है मैंने आपको एक स्लाइड में मैंने दिखाया भी है एंड एनी काइंड ऑफ वॉलंट्री सपोर्ट कैन ऑल्सो बी यू नो गिवेन यूजिंग द सेम यू पी आई आई डी जो नंबर मैंने आपको बताया है उसका भी स्लाइड मैं आपको दे दूंगा सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट जो स्टार्टिंग में प्रजेंटेशन होता है ना वो हो गई तो so, स्टार्ट करते हैं पेजेज़ को स्लाइड तक पहुँचते हैं अपन मैंने एक ही स्लाइड बना रखी मैं पी डी एफ जल्दी शेयर कर दूंगा आपको पूरी की पूरी दो सौ तीन सौ पेज की जो स्लाइड बनाई है मैंने वो एक साथ ही शेयर करूंगा आपको ताकि uh, किसी भी तरीके का इशू ना हो दिस वॉज ऑल अबाउट आई ऑज टॉकिंग अबाउट एनी कैंड ऑफ वॉलेंटियर सपोर्ट कैन बी गिवन यूजिंग एट फाइव वन जीरो फोर जीरो डबल सिक्स थ्री पी आई नंबर इज ऑन व्हाट्सएप नंबर एज वेल दिस इज माई यू नो क्या बोलते हैं क्यू आर कोड एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट वर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे वेजेज के बारे में बात करेंगे मैंने आपको बोला कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे देखिए वेजेज को डीप जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ वेजेस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मेरी एक बात सुनिए आप में से कितने लोग अवेयर हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जानते हैं जो किसानों को दी जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स को गारंटी देता है कि अगर कोई कुछ भी ना खरीदे कोई भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेज हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे इस पर्टिकुलर रेट पर एटलीस्ट प्राइसेज जो हैं जो उन्होंने तय करा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर उनके क्रॉप्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे मतलब अगर उन्होंने फिक्स कर दिया कि गेहूं का जो रेट है वो पर क्विंटल बाई सौ है तो वो बाईस में खरीदेंगे ही खरीदेंगे एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए इससे कम कोई नहीं बेच सकता है दिस इज वॉट द मिनिमम प्राइस दैट द गवर्नमेंट कैन यू नो प्रोवाइड टू द यू नो फार्मर्स अदरवाइज जो और भी मार्केट प्राइसेज हैं वो उससे ऊपर ही रहेगा उससे नीचे नहीं रह सकता है समझ रहे हो मेरी बात तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप लोग तो इतना जानते होंगे आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि वेजेज का मिनिमम वेजेज का कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है तो बेजेस के बारे में आप लोगों को समझ में आता है यू मस्ट बी गेटिंग सैलरी यू मस्ट बी गेटिंग वट एवर यू आर डूइंग जो भी आप करते हो किसी इंप्लॉई के तहत में इंप्लॉयर के तहत किसी इंप्लॉय के रूप में आप कोई वर्कमैन के रूप में किसी भी इंप्लॉयर के अंदर कोई काम करते हो कोई भी वर्क डन करते हो तो उसका आपको पेमेंट मिलता है उसका आपको पैसा दिया जाता है उसका सैलरी दिया जाता है और बोला जाता है कि एक बेसिक पे होगा एक इतना पे तो आपको मिलना ही मिलना है मतलब सत्तर हज़ार रुपये अगर बेसिक पे है तो वो तो मिलेगा ही उसके अलावा डी एन एस अलायंस है हाउस रेंट्स है यू नो ट्रैवल अलाउंस है ग्रेचुटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दी जाती हैं अलग तरीके से मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहना कह चाह रहा हूँ कि एक जब आप जॉब करते हो तो एक बेसिक पे होता है कि एक महीने की सैलरी इतनी तो बनेगी ही आपके इसके अलावा अगर आपने ओवर टाइम किया तो उसकी सैलरी अलग होगी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा काम करा तो उसकी सैलरी अलग होगी कुछ बोनस अलग हो सकता है कुछ फैसिलिटी बोनस अलग होगा कुछ फेस्टिवल बोनस अलग हो सकता है डियरनेस एन अलाउंस होती है एक जो सेंट्रल आप गवर्नमेंट आपको समय समय पर बताते रहती है कुछ और इस तरीके की बोनस चीज़ें आपको दी जाएंगी तो बेसिक वेज के अलावा और भी चीज़ें बेसिक सैलरी के अलावा और भी चीज़ें जो होती हैं वो एक तरीके का आपका टोटल वेज जो हो सकता है उसमें कॉन्स्टिट्यूट करेगा मतलब अगर आपसे कोई को बोले कि एक महीने में कितना कमा लेते हो पूरा बताओ तो आप डीएनएस अलाउंस वगैरह सब कुछ ऐड करके बोलोगे कि यार मेरी सत्तर हजार बेसिक सैलरी है उसके अलावा मैं पंद्रह से सत्तर हजार रुपए बोनस और इन सब चीजों से कमाता हूं आई विल आई एम गेटिंग एट्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ ठीक है वेजेस का मतलब ये होता है अब एक होता है मिनिमम वेजेस उसके बारे में भी बात करेंगे तो वेजेस का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा कि व्हाट एन एम्प्लॉई गेट व्हाट एन एम्प्लॉई गेट्स एज अ फिक्स्ड फॉर्म फॉर हिज सर्विसेज जो भी वो अपना काम करता है उसके लिए जो उसको चीजें मिलेंगी वो क्या हो जाएगा वेजेज हो जाएगा समझ रहे मेरी बात तो हुआ क्या था ना इतिहास में अगर आप जाकर देखो नाइनटीन में उसके पहले अगर आप देखो तो स्लैब सिस्टम इंडिया में बहुत ज्यादा था गुलामी प्रथा थी दास प्रथा जिसको बोलते हैं तो लेबर्स को पहले जब कॉमोडिटी ट्रीट किया जाता था उनको सेल किया जाता था कि इस वाले लेबर को आप लेके जाओ सेल कर रहे हैं मैं एक एक लेबर की कीमत लगती थी कि दो सौ रुपये की एक कीमत हो गई इस पर्टिकुलर बंदे की इस इस लेडी की सौ रुपये की कीमत हो गई तीन सौ रुपये की कीमत हो गई ना यूजअली ऐसे बेचा जाता था, था उनको स्लेब्स के रूप में तो कॉमोडिटी थे पर हुआ क्या कि धीरे धीरे चीज़ें बदलनी स्टार्ट हुई सोशल वेलफेयर की बात होना स्टार्ट हुआ वेलफेयर स्टेट की बात करना स्टार्ट किया सोशलिज्म की बात हुई स्टेट का इंटरफेरेंस की बात हुआ तो जब धीरे धीरे सब चीज़ें हुई तब इंडिया में भी पूरी दुनिया में भी तो लेबर सिस्टम कम्युनिज्म सिस्टम जो था उसने बहुत ज्यादा इस चीज़ को प्रमोट करा कि इस तरीके से नहीं चलेगा आपको एक लेबर को कॉमोडिटी ट्रीट नहीं करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि एज अ लेबर भी आपकी पेमेंट है आपकी फिक्स वेज बननी चाहिए आपको इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए फॉर एनी वट एवर सर्विसेज यू आर डूइंग ठीक है आपको स्लैब के रूप में ट्रीट ना किया जाएगा आपको कॉमोडिटी के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हुआ क्या था कि 1919 में जब वर्ल्ड वार वन के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना एक मई जिसको हम इंटरनेशनल लेबर लेवर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट होनी मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई जिसमें पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या हुआ लेबर के जो पैथेटिक कंडीशंस थे उसको डील करने की बात करी कि नहीं पैथेटिक कंडीशंस को हम सोल्व करेंगे अच्छा करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड कि लेबर को एज अ कॉमोडिटी एज अ स्लेव एज अज अज अ समथिंग दैट इज़ लाइक कॉमोडिटी ट्रेड एवल एलिमेंट के रूप में हम ट्रीट नहीं करेंगे तो आई इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद जिनेवा बेस्ड बॉडीज़ बहुत सारे थे बहुत सारे एन ने वर्क करा और लेबर की कंडीशंस को उठाया उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं तो अगर आठ घंटे की वो ड्यूटी कर रहा है तो उसको इतना पैसा पर डे पर मंथ तो देना ही पड़ेगा आपको और वो वैरी करता था अगर बच्चे हैं तो उनका अलग तरीके से पुरुष हैं तो उनका अलग तरीके से हैं तो उनका अलग तरीके से ओल्ड एज है तो उनका अलग तरीके से तो ये हिस्ट्री हो गई क्वेश्चन क्या क्याज होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो वेजेस का इंटरफेरेंस है जो वेजेस का यू नो डिटर्मिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई क्यों सबसे बड़ा कारण क्या था कि कॉमोडिटी जो ट्रेडेबल एलिमेंट के रूप में उनको यूज किया जा रहा था वो एनजीओज ने रोका उसके बाद उनको पता नहीं था वेजेस के बारे में ज्यादा इनको नहीं पता था क्या नाम है वर्कर्स को कि वेजेस नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होगा हमें इतना पैसा देना ही चाहिए या इतना तो मिलना ही चाहिए तो उनकी जो एजुकेशन की कमी थी लिटरेसी था उसको उसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड जो थी वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वो इंटरफेयर करना स्टार्ट करा कि नहीं हम इसको डिटरमाइन करके देंगे कि अगर आप इस तरीके की वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हो हफेजड मैंने बहुत ही ज़्यादा हेजाडस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको पैसा इतना मिलना चाहिए अगर आप आठ घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो आपको इतना पैसा मिलना चाहिए दस घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो इतना मिलना चाहिए अगर आठ घंटे की ड्यूटी कर रहे हो पर हेजाडस कम चीज़ों में काम कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंपनी में काम करो ऐसा इन द सेंस की बहुत ज़्यादा मशीनरीज उसके डेंजरस हैं लाइफ के आपको थ्रेटन है तो आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए राजर तो दस घंटे की काम कर रहा है तो ऐसे कुछ पैमाना सेट किया गया वर्गेनिक पावर बहुत ही कम था क्योंकि उनको सब कुछ जरूरत था एजुकेशन उनका क्या नाम है लेबर का तो दो रुपए आठ आना चार आना जो भी ऐसे हम लोग बोलते थे ना दो आने एक आने में भी यूज करने के लिए उसके कम पैसे में भी अवेलेबल हो जाते थे लोग डेवलपिंग नेशंस वर्ष इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपको पता है कि जैसे इंडिया जै डेवलपिंग नेशन पूरी दुनिया उसमें बहुत सारे कंट्रीज डेवलपिंग नेशन में थे तो उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस बना रहे तो इंडस्ट्रीज जो है वो कभी भी वेजेज को कम ना कर दे कभी भी इंप्लो, इंप्लो, जो है वो इम्प्लॉयजेज को वेजेज के चक्कर में हड़ताल ना कर दे स्ट्राइक्स ना करते तो एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस बना रहे और साथ साथ डेवलपिंग नेशन का जो प्रोग्रेस है वो चलता रहे इसके वजह से भी वेजेस का कॉन्सेप्ट लाया गया और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस को बढ़ाया गया आर्टिकल 43 डीपीएसपी वैसे भी कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो एक सिक्योर है लिविंग वेज वो लेबरर्स को देना चाहिए डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके बारे में आप ये चीज जानते हो आर्टिकल फोर्टी थ्री उसके अलावा सोशल जस्टिस और सोशल पॉलिसी आपको भी पता है सोशल जस्टिस सबके पास जीने का अधिकार हो हर किसी को जीने का अधिकार है विथ अच्छे कंडीशन थे उसको फेयर वेजेस बोलेंगे अपन आगे बताएंगे अभी आपको कि हर किसी के पास अच्छे तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए दैट इज द सोशल पॉलिसी आई एलो की कॉन्फ्रेंसेस की बात करी मैंने आपको 15 मार्च उन्नीस सौ जब इंडिया आजाद हुआ उसके अब विदिन एट सात आठ मंथ के अंदर हमने मिनिमम बेजेज एक्ट को क्या कर दिया पास कर दिया और ये मिनिमम बेजे एक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसी एक्ट के थ्रू मिनिमम बेजेज एक्ट नाइन्टीन के थ्रू हम अपनी इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने का ट्राई करेंगे ओवरऑल पॉलिसी क्या था सोशल पॉलिसी या फेल्ड हो और एक्सप्लाइटेशन ऑफ लेबरर्स है उसको बहुत हद तक कम किया जाए इट अब हुआ क्या कि जब मिनिमम बेजे डैक्ट की बात हुई तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब बन रहे तो पार्लियामेंट में डिस्कशन में बोला गया कि क्या, क्या सारे के सारे लेबर्स को सारे के सारे इंप्लॉयमेंट को आप इसमें कॉन्स्टिट्यूट कर दोगे कर दो क्या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं कर सकते हम पार्लियामेंट के डिस्कशन में बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे के सारी चीज़ों को ही एक तरीके से मिनिमम बेजेस के अंदर लेकर आ जाए तो कुछ उन्होंने पैराग्राफ सेट करे कुछ उन्होंने शेड्यूल बनाया कि शेड्यूल में एक काम नहीं है मानो बेड़ी कंपनी में कोई काम कर रहा है कोई शराब कंपनी में काम कर रहा है कोई किसी और तरीके की सिगरेट कंपनी में काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से बेजेस मिलने चाहिए तो कुछ एक वर्कस को कुछ एक डिपार्टमेंट को कुछ एक इंप्लॉई इम्प्लॉयमेंट कंडीशन को इंप्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं उनको उन्होंने क्या करा एक पैराग्राफ्स में एक अलग शेड्यूल में दो एक दो अलग शेड्यूल में सेटअप करके उसको पूरी इंडिया में लागू होगा ही चाहिए आपके वेजेज का इतना वेज रेट तो होना ही चाहिए एक मिनिमम पीस रेट अगर आपने काम का एक टुकड़ा भी किया है तो उसका इतना पैसा मिलना ही चाहिए ठीक है एक गारंटीड टाइम रेट एक गारंटी में मिलना चाहिए आपको ऐसा नहीं कि समय में नहीं मिल रहा तो दो चार महीने के सॉरी दो चार महीने के बाद मिल रहा नहीं ऐसा नहीं होगा अगर ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम रेट भी आपको पैसा मिलना चाहिए और डिफरेंट क्लासेज ऑफ वर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेजेज मैंने आपको बताया कि अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको अलग पैसा मिलेगा अगर आप आठ घंटे की काम करो हजार्डस वाला कंपनी का एग्जाम्पल तो अलग चीजें मिलेगा मैंने आपको ये चीज़ बताया अब क्वेश्चन ये उठता है कि बार बार मैं कह रहा हूं मिनिमम बेजे मिनिमम बेजे मिनिमम बेजेज क्या है मिनिमम बेजे को अगली स्लाइड में समझेंगे उसके पहले एक चीज याद रखिएगा जो सेक्शन में भी मैं पढ़ाऊंगा फोर सेक्शन फोर जो है इसे एक्ट का उसमें कहता है मिनिमम बेजेज एक्ट में क्या क्या आ सकता है तो मिनिम बेजेज में ऐसा हमेशा बोला जाता है कि बेसिक बेस तो रहेगा ही रहेगा बेसिक पे तो रहेगा ही रहेगा कि इतनी तो इनकी मिलनी ही मिलनी है इसके अलावा कुछ डियरनेस अलाउंस को भी ऐड कर देंगे तो कहेंगे कि सत्तर हजार प्लस दस हजार इनको डियरनेस अलाउंस तो अस्सी हजार इनको इतना मिलना चाहिए अस्सी हजार से कम तो नहीं मिलना चाहिए अस्सी से आप इक्सी दे सकते हैं बिरासी दे सकते हैं अस्सी से कम नहीं दे सकते हैं अनलेस कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आपकी हैसियत ही ना हो जाए इंप्लॉयर कि आप अस्सी हजार पे कर सको बट उसके बारे में केसेस जो क्राउन एलमुनियम वाला केस है उसमें ही सेम चीज़ हुई थी पर वो तब डिसाइड होगा ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा कि नहीं बिल्कुल ही कंडीशन इसकी बुरी है समझ रहा मेरी बात तो ये क्राउन एलमुनियम वाले केस में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस अ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इतना तो उनको मिलना ही चाहिए और कैश में देना इंपॉर्टेंट है अगर कैश में देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले लोगों के पास देखो डिजिटल इंडिया तो थी नहीं पहले जब एक्ट बना था किसी के पास बैंक अकाउंट इतना था भी नहीं कैश में ही चलता था वाटर सिस्टम था इंडिया में कैश सिस्टम चलो वाटर सिस्टम में कन्वर्ट करो इतना ही सिस्टम था तो कैश में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको बदल भी सकती है कि कैश के अलावा आप चाहो तो चेक के रूप में भी आप दे सकते हो चाहे जो भी फॉर्मेट उसने सेटअप करा है और चीज बोला कि वेजेज एक पीरियोडिक टाइम के इंटरवल के बाद पांच साल चार साल दो साल पांच साल वैसे फिक्स किया हुआ है फिक्स नहीं है वो मतलब ऐसा नहीं कि छह साल में नहीं कर सकते पांच साल ऐसा बोला जाता है कि पांच साल के अंदर आपको एक बार रिविजिट करना चाहिए अगर नहीं करी हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं किया अप्रोप्रियट बॉडी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट अगर हो आप तब भी करना पड़ेगा कि पांच साल के अंदर आपने क्यों नहीं किया पांच साल एक टाइम लिमिट रखी गई है कि पीरियोडिक इंटरवल के समय आप वेजेस को क्या कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो ठीक है उसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इसी से, से रिलेटेड तो मैंने आपको पहले भी बता रहा है सेक्शन तैतीस इतना इतनी सारी चीज़ें पढ़ी छः यूनिट में ग्यारह पढ़ा बहुत सारी चीज़ें पढ़ी तो उसमें अप्रोप्रेट अथॉरिटी वो तो जो दीदी बहन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल यूनिट फर्स्ट याद करो आप कि पापा तक बात नहीं पहुँचे उसके लिए आपके पास जो सेटअप है बीच में उसको कैसे क्रॉस करेंगे तो इसके लिए एक बॉडी भी सेटअप की हुई है अप्रोप्रेट अथॉरिटी जो किसी भी तरीके के इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं इसके अंदर जो डील करेगा किस तरीके डिस्प्यूट डिस्प्यूटराइज होता है तो तो बेसिकली मैं आपसे सिंपल पूछूं कि क्या रेशनल क्या था रेशनल अभी कभी भी एग्जाम में पूछे ना कोई स्टेटमेंट देखे यूपीएससी वाले अगर कोई देख रहे तो एक दे देता हूँ मींस का बेसिक एक्सपीरियंस पे कि अगर आपको कोई पूछता है ठीक है कोई आपसे पूछता है एक स्टेटमेंट देकर कि मैंने कहा कि वो अच्छा आदमी है एक्सप्लेन करो इस टॉपिक को तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या सोच कर कहा दैट इज वट द रेशनल ऑफ माई स्टेटमेंट तो वट वॉज द रेशनल ऑफ़ द एक्ट द मिनिमम बेसिज एक्ट बनाई गई थी नाइनटीन फोर्टी एट में आंसर uh, क्या होगा सोशल पॉलिसी सोशल जस्टिस को इंप्रूव करना और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को ऑफ हेल्ड करना अफोल्ड करना उसको इंप्रूव करना उसको बढ़ाना वेलफेयरिज्म को बढ़ाना एवरीबॉडी हैज इट्स ओन लाइफ हबकी हर अपनी अपनी हैसियत है अपनी अपनी लाइफ है उनको जीने का अधिकार है ये है वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट का रोल इंटरफेरेंस सोशलिज्म यही तो है पढ़ना हुआ क्या था नाइनटीन के बाद अगली टॉपिक इसको कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को इवन uh, कुछ केसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्या नाम है विजय कॉटन मिल्स वर्ष स्टेट ऑफ अजमेर स्टेट ऑफ़ अजमेर उसमें मैं कमिश्नरेट हुआ करता था बाद में उसको अपने ऐड करा राजपुताना स्टेट के अंदर बाद में राजस्थान बना ठीक है अजमेर कुर्ग वगैरह का जो एरिया है उधर उधर मैं बोल रहा हूँ मतलब कुरग तो नीचे हो गया कर्नाटका में मैं कह रहा हूँ बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस केस में चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उन्होंने आर्टिकल उन्नीस वन जी जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है उसको रोकता है कि मुझे ट्रेड करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा मेरा ट्रेड करने का अधिकार जो है वो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कर्टेल हो जाता है मिनिमम वेजेज एक्ट के आने से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैसे होता है कैसे होता है अरे भाई वो तो कह रहा है कि अगर आप किसी को इंप्लॉई कर रहे हो इंप्लॉई अपने अंदर वर्क करवा रहे हो तो आपको उतना पैसा तो देना ही है हाउ इट इज एक्चुअली और ट्रेलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन जी कहीं से नहीं कर रहा आप खुद इमेजिन करो मैं किसी के अंदर काम कर रहा हूं तो उसके फ्रीडम को थोड़ी ना रोक रहा हूं वो तुम काम करो यार मुझे उससे क्या फर्क है मेरे को तो बस उस चीज़ का पैसा दे दो मैं जो अपना काम कर रहा हूं आई हैव नथिंग टू डू विथ ओन बिजनेस इट्स योर ओन बिजनेस वट वर यू आर डूइंग दैट्स अप टू यू

बेजेज, बेजेज के प्रकार तरीके हिंदी में तीन होते हैं मिनिमम बेजेज फेयर बेजेज, लिविंग बेजेज। आई होप आपको मिनिमम वेजेस का मतलब समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया मिनिमम का कॉन्सेप्ट कि इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए वट एवर यू आर बी पेड एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए उसमें आपका बेसिक पे प्लस डियरनेस डीएनएस आ जाएगा उसके अलावा कुछ और आप चाहो तो ऐड कर सकते हो नो बडी इज रिस्टेनिंग यू बट इतना पैसा तो आपको मिलना ही चाहिए कि आप अपनी फैमिली को सर्वाइव करा सको आपके दो बच्चे हैं आपके दो फिर यू नो जस्ट बेट अ सेकेंड स वट सिंग मैं कह रहा था कि मिनिमम बेजेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इतना आपको पैसा मिल जाएगा कि आपकी फैमिली को आप सर्वाइव करा सको आपको सर्वाइवल से मतलब है आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट दैट यू नो बियॉन्ड योर सर्वाइवल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सर्वाइवल कैपेसिटी दैट वट एवर यू आर गेटिंग यू मस्ट बी सर्वाइवड यू 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 नो यू विल बी इन अ कंडीशन जहां पे आपकी सर्वाइवल को चैलेंज ना किया जाए तो मिनिमम बेजेज इज दैट इफ यू आर गेटिंग टू अना ट अगर हम नाइनटी फोर्टीज में बात करें या फिर दो अन्य की अगर आप बात करते हो या फिर टू डेज वर्ल्ड में हम बात करें गेटिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बीस हजार बेसिक पे है आपका पांच हजार जहां पर आपकी सर्वाइवेंस को आपकी सर्वाइवल कैपेसिटी को, को चैलेंज ना किया जाए आप ये कह दो कि यार मेरे पास तो एक पैसा ही नहीं बचता मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता पच्चीस हजार में सो यू मस्ट बी रिलुक्ट द सिचुएशन मस्ट बी रिलुक्ड द गवर्मेंट मस्ट बी मस्ट बी फोर्स टू रिलूक द बेजेज द रिविजन मस्ट भी डन देअ होगी मिनिमम बेजे मतलब इतना कि काम चल जाए इतना कि काम चल जाए अब काम चल गया आगे सो so, फेयर wages का concept आता है। fair wages कहता है कि इतना कि काम चल जाए वो तो ठीक है पर बच्चों के लिए फेस्टिवल्स में कपड़े खरीद सके वट आई एम सेंग दैट काम तो चले तो ठीक है यार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में काम भी चल रहा है पर बच्चों की नहीं खरीद पा रहे कपड़े तो फेयर बेज नहीं हुआ वो बट हां पच्चीस हजार में आई एम इन अ पोजीन जहां पर मैं सर्वाइव भी कर पा रहा हूं और अपने तीन तीन बच्चों के फेस्टिवल्स में कपड़े खरीद भी पा रहा हूं मतलब इट मीन्स डेट मिनिमम बेजेज थ्रेशोल्ड जो आपको ये बताता है कि फेयर बेच इससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि ये जो थोड़ा है ना इट गिव्स यू इट गिव्स यू काइंड ऑफ इम्पेटस टू योर लिविंग कंडीशन इट गिव्स अ काइंड ऑफ इम्पेटस टू योर सर्वाइवल कंडीशन इट गिव्स अ काइंड ऑफ इम्पेटस टू योर यू नो इन अ पोजिशन जहां पे आपको थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड लाइफ जी सको इज वोट द फेयर बेच पर एक चीज याद रखना फेयर बेच को जब कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा है कि फेयर बेच जब डिसाइड करेंगे ना कंपनी के अंदर किय को कितना मिलना चाहिए इंप्लॉयर की कैपेसिटी पेमेंट करने की बहुत मैटर करती है अगर उसके पास पैसा ही नहीं है पे करने का हाउ कैन बी एक्सपेक्ट कि वो फेयर बेजेस देगा नहीं दे सकता अरे फेयर बेज मतलब क्या हो गया कि मैंने यार आठ घंटे काम करे तो मुझे सात घंटे का पेमेंट कर दो एटलीस्ट मैंने जितना काम करा उतना तो दो उतना दो डियरनेस अलाउंस दो थोड़ा मुझे उस चीज का इंपॉर्टेंस you know, भी दो कि मैंने काम अच्छा करा है मैंने बहुत अच्छा काम करा है तो so, फेयर होना चाहिए आपके जो बेजेस का डिटर्मिनेशन जो रेट होना चाहिए वो एक तरीके का फेयर होना चाहिए फेयर वर्क फॉर फेयर नो फेयर बेजेस फॉर फेयर वर्क डन वट एवर यू डूइंग अ फेयर कंडीशन शुड बी फेयर एट वेल तो फेयर वेजेस में यह तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंप्लॉयर की कैपेसिटी है कि नहीं मिनिमम वेजेस में मैटर नहीं करता अगर आपकी हैसियत नहीं है तब भी आपको देना पड़ेगा अगर नहीं है तो कंपनी बंद करो यू डोंट हैव द राइट टू रन अ बिजनेस इज वॉट सुप्रीम कोर्ट सेड इन अ वेरी वेरी स्टेटमेंट वेरी जजमेंट इफ यू डोंट हैव अ राइट टू पे द मिनिमम बेजेज टू द योर यू डोंट हैव द राइट टू रन द बिजनेस बट इफ यू हैव द बिजनेस एंड यू हैव द कैपेसिटी टू पे यू मस्ट पे फेयर वेजेस टू योर इंप्लॉयी इतनी सी बात आगे चलेंगे लिविंग वेजेस लिविंग वेजेस कहता है कि वो सब तो ठीक है पर ये इतना पैसा जो मेरे हेल्थ पे मेरे बच्चों पे मेरी पत्नी पे मेरे मेरे खुद के हेल्थ पे मेरे माँ बाप के हेल्थ पे जाता है जो खर्च होता है उसका क्या और बुढ़ापे में इंश्योरेंस करवा नहीं करवाऊंगा तो आज का जमाना बहुत खराब है बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को क्या करेंगे फिर फ्यूचर में पति पत्नी कहाँ जाएंगे ये डोंट सरकास्टिक वे मैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ आपको लिविंग वेजेज की आपको सरवाइवल ही नहीं करना सस्टेनेबल सर्वाइवल करना है कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इतना एक्सट्रीम ना हो जाए यू मस्ट नॉट बी इन अ पोजिशन जहां पर आपको दिक्कत हो एंड यू यू वुड बी इन अ पोजिशन जहां पर आपको दूसरे पर रिले करना पड़े सो इंप्लॉई एक्सपेक्ट करता है इंप्लॉयर्स और द गवर्मेंट इज एक्सपेक्टिंग एज वेल दैट यू मस्ट बी पेइंग अ लिविंग बेस इफ यू हैव द कैपेसिटी टू पे फेयर बेजर तो देना ही है अगर आपकी कैपेसिटी तो थोड़ा लिविंग बेस भी दीजिए ताकि वो अपना इंश्योरेंस करवा सके हेल्थ कैपेसिटी पर खर्च कर सके मतलब हेल्थ एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सके बच्चों के कपड़े खरीद सके तो फेयर बेजेज अगर मिनिमम बेजे थ्रेश है तो फेयर बेजेज ये हो गया एंड मिनिमम लिविंग बेजेज ये हो गया मतलब लिविंग बेजेज को अगर मैं ऐसे रखूं तो इसके अंदर मिनिमम बेज भी आ जाएगा और इसके अंदर फेयर बेज भी आ जाएगा कॉट इट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई एक जजमेंट में कि नॉट पॉसिबल टू सेट वन फिट्स ऑल पॉलिसी नॉट फिट वन पॉलिसी मतलब कि पूरे इंडिया में एक इंडस्ट्री के लिए या फिर एक इंप्लॉयमेंट कंडीशन के लिए एक तरीके का मिनिमम बेस सेटअप कर पाना पॉसिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें सेट करती है बेस्ड ऑन योर सर्विस कंडीशन बेस्ड ऑन योर जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी टू पे डियरनेस डिनेसाइन समथिंग लाइक दैट मतलब थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट uh, करती है पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ बोनस अगर सेट करना चाहती है तो यू मस्ट बी टेकिंग ऑल द सर्कम इन योर माइंड एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी कर दिया जाकि सारे इंडिया में एक इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है चाहे पांच वर्कर काम करो चाहे हजार वर्कर काम करो इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कर सकते to set a uniform minimum पूरे इंडिया में uniform से, से, से नहीं कर सकते Got it? बात हुई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आगे चलेंगे अब लीडिंग केसेस की बात करते हैं लीडिंग में इंपॉर्टेंट क्या है आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा लीडिंग केस में सबसे पहले बात करेंगे जो क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स

फूड कन्सेशन देते थे अगर खाना वाना खा रहे हो तो आपके कन्सेसन देते पांच तरीके की चीज़ें वो देते थे हुआ क्या ये उन्हें नाइन्टीन की बात है 1950 में बात हुई थी उस टाइम पे क्या था कि देखो सिचुएशन इंडिया का ऐसा था कि रैपिड चेंजेस हो रहे थे कभी भी कुछ चेंज हो रहा था कभी यू नो स्टेबिलिटी की बात करें हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी uh, नहीं थी कि गवर्नमेंट uh, मतलब ये क्या नाम है कौन से कंपनी चलेगी कभी भी राइट हो सकते थे कभी भी दंगे हो सकते थे उस जमाने की बात कर रहे हैं जब पार्टीशन के समय की बात है उसके बाद नाइन्टीन फिफ्टीज़ की केसेज हैं सब हुआ क्या था कि एक कंपनी जो क्राउन एल्मोनियम वर्क है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खस्ती हो गई बहुत ही खास्ती हो गई मतलब बिल्कुल धरातल पर आ गई ये कंपनी इसके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए तो इसने क्या करा कि जो कॉन्सेसन दे रहा था इसको कम कर दिया फाइनेंशियल सेटअप की वजह से फैक्ट्री आर्स को कम कर दिया फैसिलिटी बोनस देना बंद कर दिया डीए को कम कर दिया अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर दी तो ट्रिब्यूनल के पास जब गया इंप्लॉय लेकर गए तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव तो होने वाली है नहीं नियर फ्यूचर में कहीं से भी मुझे तो नहीं दिख रहा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इंप्रूव होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो रहे हो, आप जो जो ये ये दे दे रहे रहे हो हो वो एक तरीके का बाउंटी है मतलब वर्कमैन को हरा दिया इन्होंने ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप जो दे रहे हो ना ये तो अच्छी चीज है यार कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम इतना दिन से दे रहे थे इतने सालों से वह क्या बात है मजा आ गया मतलब तुम्हारे लिए तो सैल्यूट ऐसी बात करती ट्रिब्यूनल ने मतलब पांच रुपये जेब में बसवाड़ा चार रुपये बस तुमने दे बसवाड़ा मतलब एक रुपया दान में चार रुपए एक थप्पड़ मार लो एक थप्पड़ एक रुपए तो दे दी मैंने वाहूट है आप बिल्कुल अपने प्लीजर पर आप चेंज कर सकते हो रिमूव कर सकते हो ट्रिब्यूनल ने कह दिया आप पीले ट्रिब्यूनल ने पलट दिया बोला ऐसा कैसे कर दोगे यार अपने हिसाब से कैसे कर दोगे नहीं कर सकते आप बिकॉज इट इज मैटर ऑफ राइट इतने सालों से जो आप दे रहे हो ना पांच छे सात सालों से इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ राइट टू द वर्कमैन की उनको आपको पैसा देना पड़ेगा आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट थिंग टू से बट राइट नहीं हो सकता कभी भी कोई चीज इफ समबडी इज गिविंग यू अ कांड ऑफ ग्रेचुटी लाइक ए बोनस कुछ ऐसा चीजें दे रही है इट मस्ट बी पेड ऑन द सर्कम स्टांसेज यू मस्ट बी पेड इफ यू आर डूंग अ ग्रेट जॉब इट्स शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ राइट कि राइट होना चाहिए दिस इज वट आई फील बट सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा बोला मैंने जो फील किया बिल्कुल उसका उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पांच बोनसेज जिसकी बात कर रहे हैं अपन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम uh, कोर्ट के सामने जो इशूज आया इशूज ए पहला इशू तो यह आया कि इज इट पॉसिबल और अलाउड टू रिवाइज द बेजेट नॉट सुटेबल टू द वर्कमैन क्या ये पॉसिबल है कि जो वर्कमैन को सूट ना कर रहा हो वैसा बेज को हम रिवाइज करें इशू नंबर वन और इशू नंबर टू के जो पांच पैसे स्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ था इस कंपनी ने उसका मतलब क्या है नेचर क्या है तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देखो भैया ऐसा है कि एक चीज ये कहना कि पैसा तुम रिवाइज ही नहीं कर सकते ये बिल्कुल गलत बात है लॉजिकल स्टेटमेंट आप कर सकते हो आप रिवीजन कर सकते हो पर दो चीजें माइंड में इंपॉर्टेंट है पहली चीज जब आप रिवीजन कर रहे हो ना पैसों का वेजेज का तो वो मिनिमम वेजेस से भी नीचे ना चला जाए ये इंपॉर्टेंट है देखना कि आप यार उसको इस लेवल पे लेके चले आए कि वो इंसान दो पल की रोटी भी नहीं खा सकता और वो काम कर रहा है आपके यहां बिकॉज उसको दूसरी जॉब नहीं मिल रही यू डोंट डू दिस If you don't have the power second point you don't have the power to run your business you don't have the power to pay the employee you don't have the right to run your business सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास पैसा देने की कैपैसिटी नहीं आप रन नहीं कर सकते बिजनेस को और अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो फाइनेंशियल सेटअप आया है तो इतना कम नहीं कर सकते कि बिल्कुल सफिशियंस लेवल पर लेके आ जाओ अपनी इम्प्लॉय को पैसा देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज़ें कहा और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर एक्सट्रीमली सेवली इंपॉसिबल है रेज होना आपकी बातें जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट uh, ने एक और चीज़ कहा सेकेंड पॉइंट जो था कि पे स्ट्रक्चर वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि कंपनी ने कहा कि आ, आ, सर ऐसा है ना कि हमने कुछ इंप्लॉयी को बाहर कर दिया तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ होने वाला है नहीं मुझे नहीं दिख रहा आपको इस तरह का चीजें अलाउड नहीं है ठीक है और कहीं से भी इस तरीके का बियर मिनिमम लेवस आप जो नीचे लेकर आ गए वो बिल्कुल अलाउड नहीं है कंपनी बंद हो गई लिटरली बंद ही होना पड़ा कुछ ऑप्शन बचता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वर्कमैन के अगेंस्ट भी जाकर मतलब वर्कमैन के बिहा हित में नहीं अहित में जाकर पैसों को कम कर सकते हो अगर टेम्पररी नेचर का है आपका फाइनेंशियल सेटअपैक यार अभी के लिए कम कर देता हूं जब अच्छा होगा तो आई विल पे द रिमेनिंग अमाउंट एज वेल बट इट शुड बी सेटिस्फाइड द ट्रिब्यूनल कि यार आपने जो मुझे बताया है ना कि सब ग्राउंड्स पर सर अभी कम है सर अभी कोविड की वजह से कम हो गया पर कोविड जैसे ही ठीक हो जाएगा मेरी सिचुएशन बढ़ जाएगी तो ट्रिब्यूनल उस चीज को समझेगा और आपकी बातों को ओके okay करके बाद में पैसा आप इसको दे देना जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो मैटर ऑफ राइट भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि इट्स अ मैटर ऑफ राइट आपने इतने सालों से दो रहे मैटर ऑफ राइट हो गया बट आई डोंट विद द स्टेटमेंट बट वट थिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट हैज नॉट बिकम मैटर ऑफ राइट बट नॉट एज अ कंप्लीट मैटर ऑफ राइट मतलब इट्स नॉट अ फंडामेंटल की हो गया नहीं इट इट कैन कैन बेस्ड ऑन द स्टांस अब वो स्टॉन्स ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि सही है कि नहीं समझ में आ गया क्राउन वाला केस आगे चलेंगे अब इंडस्ट्री कम रीजन प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको सेकंड टॉपिक में पढ़ना है अब इंडस्ट्री कम रीजन प्रिंसिपल क्या होता है ऐसे समझो कि एक एरिया है मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस ले लेते अपन छात्रा मार्ग पे दस इंडस्ट्री सेटअप हुए हैं दसों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और मुखर्जी नगर में भी एक इंडस्ट्री चल रही है टेक्सटाइल की छात्रा मार्ग दो स्क्वायर किलोमीटर मान लो और, और जो आपका यू नो ना, क्या नाम है मुखर्जी नगर वो दस स्क्वायर किलोमीटर पर यहाँ दस इंडस्ट्रीज है वहाँ पचास इंडस्ट्रीज हैं दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं एक रीजन दो रीजन के बीच एक किलोमीटर का अंतर है तो इंडस्ट्री कम रीजन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जब हम बेजेस वगैरह डिसाइड करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट जब करती है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पॉइंट बहुत मैटर करता है कंपेरिजन कॉम्पेरिटिव एनालिसिस वट डज इट मीन अगर आप छात्रा मार्ग के सारे टेक्सटाइल मिल्स को देख रहे हो टेक्सटाइल कंपनीज को देख रहे हो और मुखर्जी नगर के सारे टेक्सटाइल कंपनीज को देख रहे हो तो हमेशा यह बहुत मैटर करेगा कि दोनों के बीच में जो मतलब जो दोनों सेटअप किए हुए हैं कंपनीज हैं दस यहां पचास वहां जो दोनों रीजन में हैं उनके इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के बीच वर्कर्स के बेजे में बहुत ज्यादा अंतर ना हो फॉर एग्जाम्पल अब इसको कैसे और समझते हैं अगर कोई आपसे कहे कि यार दस कंपनीज के बीच में एनालिसिस करना छोटा सैंपल है नहीं मजा आ रहा इनके बीच में मजा नहीं आ रहा तो साठ के बीच कर लो दस इधर और पचास उधर तो साठ इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री के पोर्शन को ज्यादा तवज्जो दिया गया और बेजेस को डिसाइड किया गया मान लो ऐसा होता कि दस यहां है पचास ही यहां है पचास ही एक ही एक ही जगह पे है सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने टेक्सटाइल मिल अगर पूरा छात्रा मार्ग पर पचास सेटअप है तो पचास तो इनफ सैंपल है टेक्सटाइल मिल आपस में कर लिया आपने इंडस्ट्री को बेसिस पे रीजन को नहीं तवज्जो दिया आपने छात्रा मार्ग में इंडस्ट्री जो है पचास हैं, हैं सैंपल अच्छा है तो उसके बेसिस पे बेजिस को आपने डिसाइड कर दिया छात्रा मार्ग पर छात्रा मार्ग पर दस हैं और मुखर्जी देखकर पचास हैं तो टोटल अब हुआ हुआ क्या कि दस वाला सैंपल वो छोटा हो गया तो इसको साठ कर दिया हमने कैसे रीजन को तवज्जो दे दिया कि यार ऐसा करो दोनों रीजन के बीच में डिफरेंस नहीं ज़्यादा एक आधा किलोमीटर का अंतर है लिविंग कंडीशन भी बहुत अलग है नहीं एरिया बिल्कुल सेम है तो इनको साठ का सैंपल लेकर रीजन को तवज्जो देकर सेटअप कर दिया जाए ये होता है इंडस्ट्री कम रीजन आई होप आप समझ गए हो कि अगर इंडस्ट्री वाला सैंपल छोटा है तो रीजन को तवज्जो देंगे दो दो रीजन को कंपैरिजन करेंगे और रीजन का तवज्जो अगर छोटा मतलब रीजन को तवज्जो नहीं देना है और इंडस्ट्री इतनी बड़ी सैंपल है तो इंडस्ट्री को दे दीजिए वैल्यू तो इंडस्ट्री कम रीजन का, का प्रिंसि होता है कि जब हम कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो इंडस्ट्री को देखना है या रीजन को देखना है वो डिपेंड करेगा सैंपल कितना बड़ा है वेजेस वर्सेज इकोनॉमिक इंबेलेंस इन लोकेलिटी और रीजन ये जो है वो ना होना चाहिए मतलब ऐसा ना हो कि एक एक लोकेलिटी में दस रुपए बेसिक पे कर दिया और सेम बिजनेस है सेम बिजनेस है दो किलोमीटर के अंतर पे वहां वहाँ पचास रुपये दे रहे हो आप लिविंग कंडीशन वहां भी बिल्कुल सेम है ऐसा नहीं होना चाहिए फिर क्या होगा कि इधर से लोग उधर चले जाएंगे तो इकोनॉमिक इम्बेलेंसेज आ जाएगा एक, जा एक लोकेलिटी में एक रीजन में सो so, इंडस्ट्री कम रीजन डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज को तवज्जो देना है कि रीजन को तवज्जो देना है ऑन द बेसि सैम्पल्स कंपेरेटिव एनालिसिस करते हुए समझ रहे हो द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेज इन द सेम और सिमिलर इन द सेम और नेवरिंग लोकेलिटीज बहुत मैटर करता है कि जो बिल्कुल सेम होना चाहिए प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेज जो बिल्कुल बराबर का होना चाहिए टू मेंटेन यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन एंड वेज स्ट्रक्चर एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए अब जब आप ऐसा कर रहे हो तो क्या क्या चीजें माइंड में लेनी चाहिए दिमाग में रखना चाहिए कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनीज का कितने प्रॉफिट वो कमा रहे हैं कितने वर्कर्स उनके यहाँ काम कर रहा है कैसी उन्होंने स्ट्रक्चर मशीनरी सेटअप किया हुआ है उनके पास रिजर्व कितना है मान लो कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए तो कोई कंपनी कितना महीने तक पे कर पाएगी अपने इंप्लॉई को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट किस कंपनी का ज़्यादा अच्छा है इंटरप्राइजेज का रिजर्व कितना है ये सब सेटअप माइंड में रखना चाहिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो इंडस्ट्री कम रीजन के बेसिस पे मान लो कोई ऐसा है कि छात्रा मार्ग पर कोई कंपनी है यार वो दस बिल, दस बिलियन डॉलर की कंपनी है होगी नहीं इतनी मान लो और मुखर्जी नगर में कोई पांच बिलियन डॉलर है मान लो आ, मान लो कि कुछ एक करोड़ की है तो दोनों के बीच में एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो भाई दस बिलियन वाला ऑब्वियसली ज्यादा देगा ऑब्वियसली ज्यादा देगा पर इतना ज्यादा भी ना दे दे कि उधर से लोग इधर ही आ जाए सारे तो एक इकोनॉमिक इंबैलेंस ना सेटअप हो जाए तो इंडस्ट्री कम रीजन का समझ में आ गया लॉजिक इंडस्ट्री कम रीजन मतलब मैं आपका भाई भी नहीं हूं मतलब मैं आपका भाई कम दोस्त हूं अगर भाई का रिस्पॉसिबिलिटी निभा तो भाई की रिस्पांसिबिलिटी निभाऊंगा दोस्त की रिस्पांसिबिलिटी निभानी तो दोस्त की रिस्पांसिबिलिटी निभाऊंगा डिपेंड करता है किस पे सिचुएशन क्या है हाँ भाई को कोई अगर आपको मारे तो दोस्त की हिस्से से भी पीटेंगे भाई के हिस्से से भी पीटेंगे पर हाँ आपने कुछ गलत करा है तो भाई की हिस्से से समझाएंगे डांट भी सकते हैं मार भी सकते हैं पर दोस्त मारते नहीं वो समझाएंगे आपको आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ इतने आसान चीज़ नहीं थी इंडस्ट्री कम रीजन को इतनी कम लैंग्वेज में समझाना इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग तो so, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया समझ रहे हो आप आगे चलेंगे हाँ इस केस को समझते हैं। वेरी गुड केस ग्रेब्स कॉटन कंपनी लिमिटेड एंड दियर वर्कमैन का केस है आपके केसमेट में दिया हुआ है कॉटन कंपनी थी इसमें हुआ क्या था कि एक जो ग्रेब्स कॉटन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो कंपनी है तो ये एक अपने आप में कंपनी थी ग्रेव्स कॉटन और ये जो कॉरपोरेशन है ना इसमें तीन कंपनीज और थी ठीक है मतलब रिलायंस कंपनी अपने आप में पेरेंट कंपनी हो गई उसके तीन कंपनी जो और आ, सीम वाला अलग है पेट्रोलियम का अलग है एक और एक और चीज का अलग है मान लो तो जो हायर बॉडी होगी जो होल्डिंग कंपनी होगी जो पेरेंट कंपनी होगी वो तीनों चीजों के सिचुएशन को कंट्रोल करेगी क्योंकि पैसे वहां से फ्लो हो रहे हैं तो ग्रीब्स कॉटन वाले केस में ये हुआ था कि चार कंपनीज थे एक पेरेंट कंपनी था तीन उसके अंडर काम करते थे एक इन्वेस्टमेंट करता था एक मैन्युफैक्चरिंग करता था एक सेलिंग करता था एक दूसरी चीज करता था अब हुआ क्या कि पेरेंट कंपनी ने सेटअप कर रखा था चारों जगह पे स्टाफ और क्लरिकल और सबॉर्डिनेट पोजिशन होते हैं नीचे वाले लोग जो बहुत ही आ, 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 आपको जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी कंपनी के वो करते हैं उनका बेजेज चारों कंपनी में सेट कर रखा था चाहे आप आ, सेम कर रखा था चाहे आपका नाम है आ, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग वाले में काम कर रहे हो चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन वाले में काम कर रहे हो चाहे आप शेयरिंग वाले में काम कर रहे हो सेटअप सेम किया हुआ था ठीक है कंट्रोल करता था बिल्कुल सेम था बात यहां पे यह उठी कि यार सेम कैसे हो सकता है सेम कैसे हो सकता है सेम कैसे हो सकता है चेंज करो चेंज करो तो उसकी कंपनी डिस्प्यूट जो थी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के लिए के कुछ नहीं थी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी थी उसमें कोई डाउट नहीं है तो जब ये डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि यार पिछले नौ सालों से पिछले नौ सालों से आपने ना बेजेज और ना डियरनेस अलायंस को सफिशेंटली रिवाइज किया है नौ साल हो गए 9 साल से आपने रिवाइज नहीं किया इट्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल का कहानी कहानी है है ये की है ये की कि आपने सही तरीके से नहीं किया बात को समझ रहे हो और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए इंडस्ट्री कम रीजन के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि जो सबसे हायर लेवल था उस रीजन का कॉटन कंपनी इंडस्ट्री सेम है एक रीजन दो रीजन में कंपैरिजन करा क्योंकि इंडस्ट्री का सैंपल बहुत छोटा था तो उसने देखा कि कॉटन कंपनी है इसने सेट किया हुआ है तो इसके दो तीन रीजन को कंपैरिजन करो और सबसे हाइय जिस कंपनी का था ना वेज था उतना कहा कि इसको बढ़ाकर उतना कर दो अब वर्कमैन के लिए भी सेम कर दो वर्कमैन के लिए भी सेम क्या हुआ था इसने बढ़ा दो बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची इशूज क्या आया इशूज क्या आया बताओ आई थिंक चलिए यहीं पर बता देते हैं इशूज क्या आया सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ ऑब्जर्व किया पहली चीज़ ये ऑब्जर्व करना था कि क्या इंडस्ट्री कम रीजन का जो प्रिंसिपल है वो सही तरीके से अप्लाई हुआ है और क्या वो फिक्सेशन करने में ट्रिब्यूनल सही था सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए भैया ऐसा है कि आपने नौ सालों से रिवाइज नहीं किया है अपना डियरनेस अलाउंस और जो भी चीज़ें हैं और डेफिनेटली समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है और एक और चीज़ कहा कि ठीक है मैंने रीजन को ज़्यादा तवज्जो दिया इंडस्ट्री को नहीं दिया उसका कारण क्या बताया कि हम इंडस्ट्री को तवज्जो तब, तब देंगे जब हमारा सैंपल इंडस्ट्री में कंपैरिजन करने का अच्छा हो पर यहां पे नहीं है हमने रीजन को दिया क्योंकि रीजनल कंपैरेटिव इसलिए किया क्योंकि रीजन का सैंपल जो है वो ठीक ठाक है इंडस्ट्री का नहीं था एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमने एक चीज़ पाया कि चाहे आप टेक्सटाइल कंपनी की बात कर लो चाहे आप टेक कंपनी की बात कर लो चाहे आप बीड़ी सिगरेट कंपनी की बात कर लो चाहे कुछ भी कर लो यार स्टाफ्स और कलरिकल कंडीशन जो क्लर्कल जॉब्स होते हैं वो उनकी उनकी जो जॉब कंडीशन है जॉब प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम होती है उनका काम भी वही है जो टेक्सटाइल कंपनी में है सर आइए वेलकम टू द कंपनी सर आपको ए मिलेगा सर हमारे यहाँ ए मिलेगा सर कुछ अकाउंटेंट की काम कर लेते हैं कुछ आपस में जो चीज़ें हर कंपनी में तो सेम है क्लरिकल कंडीशन सब ऑर्डिनेटर स्टाफ्स की बहुत ज्यादा चेंजेस तो है नहीं तो इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्री को तवज्जो देना अच्छा नहीं माना गया क्योंकि सब इंडस्ट्री में स्टाफ्स और क्लर्कल कंडीशन का जॉब तो बिल्कुल सेम ही है उनका सबका काम तो ऑलमोस्ट सेम है तो रीजनल देखा गया कि दो रीजन में किसका सबसे ज्यादा है इसलिए हमने पैसा बढ़ाकर उतना कर दिया ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल सही कहा पर कोई दिक्कत नहीं है मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज ऑब्जर्व करी ना कि कहां पे इंडस्ट्री प्ले करेगा रोल कहां पे रीजन करेगा प्रे, रोल कब जो इंडस्ट्री पार्ट ऑफ कंपैरिजन इज लो तो रीजनल पार्ट टेकेंगे बताया दूसरी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है इसने जो क्लर्क वाला पॉइंट कहा वो ठीक है पर वर्कमैन वाला जो इसने बढ़ाकर कहा वो ठीक नहीं है वो रीजनल कॉम्पेटिव अच्छा नहीं है वो इंडस्ट्रियल कॉम्पेरेटिव होना ज्यादा अच्छा है ज्यादा अच्छा है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके की वर्कमैन होती है वर्किंग कंडीशन अलग अलग होता है तो उसमें रीजनल कंपेरेटिव कर देना अच्छी चीज नहीं है इंडस्ट्रियल जब वर्कमैन का हम सेटअप कर रहे हैं कि यार कॉटन कंपनी का वर्कमैन अलग काम करेगा बीडी सिगरेट कंपनी का वर्कमैन अलग करेगा पेट्रोलियम कंपनी का वर्कर अलग करेगा उसकी माइनिंग है तो उसके बीच में एक तरीके का कंपेरिजन हम नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए मैटर क्या करता है कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कमैन को देखा जाना चाहिए इंडस्ट्री के बेसिस पे तो यहां पे वर्कमैन सही नहीं था ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो यूनिफॉर्म कंपैरिजन नहीं कर सकते वर्कमैन के लिए रीजनल कॉम्पेटिव नहीं कर सकते अगर रीजनल करना है तो सेम इंडस्ट्रीज में करो आप कुछ भी इंडस्ट्री में सेम करके कुछ भी इंडस्ट्रीज दो अलग अलग तरह इंडस्ट्रीज में वर्कमैन को आप सेम करके नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा आई होप सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा थर्ड थर्ड पॉइंट है वर्कमैन वर्से रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बिल्कुल सेम चीज है यहां पर फार्मा बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व थी कंपनी ने क्या करा था कि डीएनएस ओलायस को ये कहा कि यार देखो डीएनएस ओलायंस सबके लिए इन्फॉर्म कैसे हो सकता है यार किसी को दस सैलरी मिल रही है किसी को पंद्रह सैलरी मिल रही उसके लिए हम सेम कैसे दे सकते हैं डीएनएस ओलायंस उन्होंने क्या करा ना इस कंपनी ने बड़ा तेज थी कंपनी उसके लिविंग कंडीशन इंप्लॉई के और बेसिक वेजेस के साथ ऐड कर दिया अगर आपकी बेसिक पे लिविंग कंडीशन ऐसी है तो आपको इतना डीएनएस ओलायंस मिलेगा और अगर आपकी ऐसी है तो आपको इतना मिलेगा बात पहुंची ट्रिब्यूनल में ये तुमने क्या कर दिया यार ये तो बड़ा ही गलत बात है हाउ कैन यू डू सो नहीं कर सकते आप कंप्लेन वाले सर इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जो आपने ओ, बिल्कुल पैमाना सेट कर दिया ओवर न्यूट्रलाइज हो गया चीज मतलब हाई बेजर में आ रहे हैं छोटे छोटे इंप्लॉय भी बहुत ज्यादा हाई बेजर ईना में आ रहे हैं ये कैसे हो सकता है नहीं होने देंगे ये बातें कही गई पलट होगी आपको उम्मीद है जजमेंट में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पलट दी चीज को ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है एनालिसिस आप करियो रीजनल एनालिसिस करो कंपेरेटिव एनालिसिस करो इंडस्ट्रियल एनालिसिस करो फिर देखो अगर डी एस सबको फिक्स करना है तो लिविंग कंडीशन पे कैसे कर बेसिक बेस पे कैसे कर सकते हो आप आप देखो कि आसपास के क्षेत्रों में क्या आसपास के रीजन में क्या आपके इंडस्ट्रीज में क्या है इंडस्ट्रियल एनालिसिस करिए रीजनल कंपेरेटिव करिए ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बातें आपको बता दी गई ना हो दो से तीन मिनट पाँच पाँच मिनट और लगेगा सेक्शन थ्री मिनिमम बेजिस एक्ट का कहता है कि कैसे फिक्स करेंगे

ठीक है उसके अलावा एक भी कहता है कि अगर आपको प्रिवेंट हो गया मान लो नहीं कर पाए तो आपको वो चीजें जो बतानी है वो प्रोवाइजो में दिया हुआ है सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री पढ़ा रहा हूं ना रुको यार सेक्शन थ्री आगे चलेंगे ये सब डायरेक्ट वहां से कटआउट लगा रखा है मैंने आगे कहता है कि जो भी जवाब कर रहे होगे इंप्लॉयमेंट को आप शेड्यूल कर रहे होगे तो आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विस कंडीशन जब आप मैटर कर रहा है सर्विस कंडीशन जो आप लगा रहे हो बेसिक बेजेज कर रहे हो वो उसके सर्वाइवल कंडीशन को करता है कि नहीं करता मतलब बेसिक 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 तो कर हासीिए से ऊपर रखना है मिनिमम बेजेड एक्ट में, देख में देख, कहा भी है मिनिमम बेजेज का डेफिनेशन नहीं है कहीं पर भी सेक्शन टू एच बेजेज का क्या क्या आएगा और कैसे कैसे फिक्स करेंगे वो आगे दिया हुआ है तो मिनिमम इज नॉट बेजेसिड एनी वेयर बेजेसोप्रियट गवर्नमेंट फिक्स करेगी एक मिनिमम रेट ऑफ बेस जो मैंने आपको बताया मिनिमम टाइम रेट मिनिमम पीस रेट फिर उसके अलावा गारंटी टाइम रेट और ओवर टाइम रेट ये सब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है इसे मैंने आपको प्रूफ के रूप में लगाया कि आप अगर पीडीएफ पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीजें आप देख लेना एक बार आगे ये चीज़ बिल्कुल सेम कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो रखा है तो कैसे करेंगे अगर कोई डिस्प्यूटेड है मान लो कुछ ऐसा हो कि यार कोई ऐसा ऑलरेडी डिस्प्यूटेड में है सेक्शन थ्री टू ए कि कब हम मिनिमम बेजे नहीं अप्लाई करेंगे अगर कोई ऐसा टॉपिक है कोई ऐसा इंप्लॉयमेंट कंडीशन ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है किसी ट्रिब्यूनल के सामने किसी कोर्ट के सामने तो उसमें अप्लाई नहीं करेंगे या फिर किसी और ने कोर्ट ने वगैरह कुछ ऑर्डर दे रखा है उसके बारे में तो नहीं करेंगे या फिर फिक्सिंग जो कंडीशन करने में कुछ दिक्कतें आ रही कंपेरेटिव एनालिसिस अच्छे तरीके से आप नहीं कर रहे हो नोटिफिकेशन सही तरीके से फिक्स नहीं हो पा रही है तो आप नहीं करोगे तो देर आर सम प्रोविजंस की आप किन किन केसेस में मिनिमम बेजिस को डिफाइन नहीं कर सकते अगर कोई डिस्प्यूटेड है कोर्ट के अंदर है ठीक है या फिर कुछ और रेट आपने ऑलरेडी उसका डिसाइड कर रखा और वो डिस्प्यूटेड है सेक्शन थ्री ये क्या कहता है अगर आप देखोगे कि अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग होगा वर्किंग कंडीशन के लिए अलग होगा एडल्ट के लिए अलग होगा लोकेलिटी के लिए अलग होगा सब बता दिया है मैंने आपको आगे मिनिमम बेस रेट घंटे के हिसाब से दिन के हिसाब से महीने के हिसाब से और जितना लार्जर पीरियड आप चाहो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो बेसिकली एक पूरा पैमाना सेट किया हुआ है कि यार देखो किसकी आप समय भी देखो कंडीशन भी देखो लोग भी देखो बड़ा है बुजुर्ग है बूढ़ा है उसकी कंडीशन पर सर्वाइवल कंडीशन को देखो उसके बाद पैसा दो स्टेट के भी तो रोल देखना है ना कि स्टेट कैपेबल है कि नहीं फाइनेंशियल रोल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है स्टेट की इंप्लॉयर की वो भी जो चीज़ें देखनी है ये बताया वो इस पर्टिकुलर एक्ट में पर्टिकुलर सेक्शन में सेक्शन फोर कहता है मिनिमम रेट ऑफ बेजेस क्या क्या होगा वही सेक्शन टू एच में किसका डेफिनेशन दिया हुआ है बेजेज का अब वो मिनिमम बेजे में क्या क्या आ सकता है जो मैंने आपको बता दिया बेसिक रेट ऑफ बेजेस उसके अलावा स्पेशल अलाउंस जो आप चाहो कुछ और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इसको भी बेसिक रेट मिनिमम बेज रेट में एड कर देना चाहिए डेफिनेशन नहीं दिया हुआ मिनिमम रेट एज का ये बार बार बोल रहा हूँ मैं मिनिमम बेज रेट रेट ऑफ बेजिस का एक पैमाना सेट किया हो कि इसको बेसिक एज स्पेशल अलाउंस डीएनएस अलायंस अगर हमको अच्छा लगता है कि नहीं एक बोनस भी एड होना चाहिए कोविड के बाद अगर कोई स्पेशल बोनस वाली कॉन्सेप्ट आती है तो आप कर दो कुछ ऐसा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है अगर दो स्टेट आपस में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड कर दे कि ठीक है आप दोनों आपस में सोल्व नहीं कर पा रहे हो हम कर दे रहे हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट वैसे करती है मिनिमम बेजे डिसाइड जैसे एमएसपी होता है ना वैसे सेंट्रल लेवल पर डिसीजन होता है कि नहीं इतना पैसा तो आपको रखना है जैसे एक मिनिमम दो सौ रुपया दो सौ रुपया आपको देना है इस तरह के वर्किंग कंडीशन में आप स्टेट गए दो सौ से दो सौ दस दो सौ से एक सौ नब्बे नहीं कर सकता वो वो एक सौ नब्बे नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट दो सौ से ऊपर ही रखना है उसको ये होती है बात वर्किंग कंडीशन ये होता है वेजेस का डेफिनेशन सेटअप करने का लिविंग अलायंस वगैरह चीज़ें ऐड नहीं होते ट्रैवलिंग अलायंस ऐड नहीं होता ये सब याद रख लीजिएगा ट्रैवलिंग अलायंस वगैरह ऐड नहीं करते कोई कहते हैं ट्रैवलिंग अलायंस भी एड करते तो नहीं होगा लिविंग अलायंस ये सब नहीं होता है कॉन्सेशनल वैल्यूज़ अगर हैं कोई इसेंशियल कॉमोडिटी है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट को लिविंग एंड कंडीशन होता मतलब ट्रैवलिंग अलायंस कह रहे हो कि सर वो भी आप बेसिक रेट में ऐड कर दो तो वो सब नहीं होगा प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड डिवाइजिंग मिनिमम बेजे क्या होगा नोटिफिकेशन देखो नोटिफिकेशन के थ्रू करोगे आप या फिर कमेटी सेटअप करोगे आप ये सारी चीजें सेक्शन फाइव में दी हुई है ठीक है तो इतना बेजेस का कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको बताया आई थिंक इतना ही इनफ था एंड दैट वॉज ऑल अबाउट योर बेजे गिव वन मिनट जस्ट वन मिनट एट एट फाइव वन जीरो फोर जीरो डबल सिक्स थ्री आपको पता है मेरा यूपीआई नंबर वगैरह सब है अगर आपको मेरे एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना है टू हंड्रेड रुपीजीज़ पर स्टूडेंट चार्ज है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनसीईआरटी सीरीज किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करोगे तीन तीन हजार रुपये लेंगे दो सौ में मैं एक एक एनसीईआरटी कवर कर दे रहा हूं एक एक लाइन से सवाल बनाकर दे दे रहा हूं टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है मैंने उसका पर्सनल सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो पेड करेंगे ठीक है उस पर आप ज्वाइन करिए दिन भर में क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है यू गोना टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ थिंग बहुत बेनिफिशियल चीज है जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लविंग मी एंड शेयर करिए जितना कर सकते हैं आप करिए थैंक यू